हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरी नई एक डिश में। आज अलीशा व्लॉग विद फैमिली में बन रहा है नाश्ते में उद्दीन वड़ा। हम इसको उद्दीन वड़ा बोलते हैं, बाकी सारे मेंदू वड़ा बोलते हैं। ये मेरे घर में ऐसे स्टाइल से बनता है। इसमें देखो अदरक काटी है, मिर्ची, और ये थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाला है, और ये सोया साग डाला है, और ये एक ही प्याज का डाला है, एक ही प्याज, और बिल्कुल हल्का कम मैंने मिर्ची और नमक और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है। और सिर्फ मैंने उद्दीन वड़े की दाल डाली है, पीसी है, और आपको आपको जितनी क्वांटिटी चाहे आप उतनी रखें। मैंने सिर्फ यहाँ पे 400 ग्राम दाल पीसी थी, वो भी सिलबट्टे में। और इसमें मैंने सूखा पोहा आता है ना, उसको भिगो के पीस लिया है, वो ज़रूर डालें, नहीं तो चावल का आटा डालें, नहीं तो आप रात का खाना जो बचा होता है वो भी पीस सकते हैं। पर मेरे घर में बैंगलोर में हम ऐसे बनाते हैं उदीन वड़ा। हम वड़ा सांभर इसको बोलते हैं। उदीन वड़ा ऐसे भी खाया जाता है चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। आज चलो देखो उदीन वड़ा मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने कुकिंग ऑयल रख लिया है, तो उसमें मैं डाल रही हूँ। पहले इसको तेल को अच्छे से आप गरम कर लें, मीडियम हाई फ्लेम पे। बहुत अच्छे से गरम करने के बाद हाथ में या आप करछी में, पीछे करछी का सब्ज़ी डालने वाला हिस्सा पोर्शन होता है ना, उससे पानी लगा लें पहले, या गोल गोल उसमें होल करके आप छोड़ सकते हैं। मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ, हाथ में भी और इसमें चम्मच कड़छी से भी बनती है। कड़छी मतलब चम्मच, सब्जी डालने वाला चम्मच, तो उससे भी बन सकता है। ये देखो मैं डाल रही हूँ, मेरा मेंदू वड़ा तैयार हो रहा है। बहुत ही इजी सिंपल तरीके से बन सकता है गाइस मेंदू वड़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें साग वगैरह डालने का रीज़न ये है, टेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है इसका टेस्ट ना। तो ये देखो, चलो आओ देखो कैसे बन रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउन ही करना, वाइट मत रखना। ब्राउन करने से क्या होता है, अंदर थोड़ा अच्छे से पक जाता है और क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्टी बनेंगे मेंदू वड़े। आपको आप कुछ भी नहीं डालोगे तो भी ही चलेगा, पर ये डालना गाइस, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही पीस के बनाते थे, बहुत ही मज़ेदार। बस सिर्फ दाल ही पीसनी है आपको, दाल और थोड़ा सा मैं पोहा पीसती हूँ सूखा। आपने तो पोहा के बजाय रात का चावल भी होता है वो भी पीस सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनती है इसकी, और पानी बिल्कुल ना रखे, पानी बहुत कम रखे, पानी बहुत ही कम रखा जाता है इसमें मेंदू वड़े में, और आपके उदीन वड़ा बहुत बन के तैयार होता है। आप प्लेन दाल लें, छिलके वाली दाल ना लें, प्लेन ही दाल लें। इसको भिगोना पड़ता है रात को, या 3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। एक दिन पहले बैटर बना के रख लो तो ही बढ़िया रहेगा। रात को सारा दिन भिगो दो, रात को पीस लो, सुबह उठ के नाश्ते में आप बना सकते हैं। तो 24 आवर्स ही लगेंगे इसको बनाने में। अब मैं चलो, मेंदू वड़ा मेरा बन चुका है, तड़के चटनी की तड़के की तैयारी कर रही हूँ। कोकोनट चटनी पीसी हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने थोड़ी सी दाल डाली है चने की, ये देख लो, चने की दाल डाली है और सरसों डाली है तड़के के तड़के में। ये मैंने चटनी डाल दी है जी। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची और सरसों, तो तड़का ज़रूर लगा है। स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, ये देख लो, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है मेंदू वड़ा और उदीन वड़ा। कलर देखो गाइस, मेरे मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को, घर वालों को, सबको पसंद है, यहाँ तक कि मेरे सिम्भा भी खाता है। सिम्भा, मेरा कलुआ, सब खाते हैं मेंदू वड़ा, सबको पसंद है। ये देख लो, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी। अलीशा को तो इतना फेवरेट लगे, घर में बहुत इजी आसानी से बना सकते, और आप सिलवट्टे में पीसो तो और क्या ही कहने, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनते हैं ये। बच्चों का तो फेवरेट नाश्ता है। कभी आलू पूड़ी दे देते हो ना, कभी ये भी देखा करो। ये देखो, ये देखो, सिम्बा को देख लो पहले, ये हर चीज़ में घुसता है। बन के तैयार होने की देरी है तो साथ में आके बैठता है, हमारे साथ ही आता है। ये देखो, लेके भागा, इसको मेंदू वड़ा बहुत पसंद आ चुका है, ये देख लो। थैंक यू गाइस।